वेलकम टू द IPTS। जैसे कि आप सभी को पता है कि चंडीगढ़ TGT 2024 का नॉन मेडिकल स्ट्रीम का एग्जाम ऑलरेडी डन हो चुका है और हम यहाँ पे आपके पास फिजिक्स का सॉल्ट पेपर लेके आए हैं। सॉल्ट ही है बेसिकली, आपको अगर आपके पास किसी भी चीज में क्वेरी आती है तो आप यहाँ पे सॉल्ट सॉल्यूशंस आपको मिल जाएंगे, और अदरवाइज आपके पास क्या है यहाँ पे हमें प्रॉपरली आंसर कीज आपको हर एक क्वेश्चन की बता देंगे। तो यहाँ पे आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन अराइज हुआ था, ए पार्टिकल इज बीइंग फोर्स टू मेक अ यूनिफॉर्म मोशन इन अ सर्कल, द फिजिकल क्वांटिटी ऑफ द पार्टिकल विच चेंजेस विद टाइम इज। तो आप सभी को पता है काइनेटिक एनर्जी तो कांस्टेंट ही रहती है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के लिए, लीनियर वेलोसिटी है जो बेसिकली आपके पास चेंजेस विद टाइम पूछ रहे हैं, तो लीनियर वेलोसिटी है जो आपके पास चेंज विद टाइम करती है, बाकी काइनेटिक एनर्जी भी कांस्टेंट रहती है, एंगुलर वेलोसिटी भी कांस्टेंट होती है, एंगुलर मोमेंटम भी कांस्टेंट रहता है, और आपके पास सिर्फ वेरी कौन सा करता है, लीनियर वेलोसिटी ही वेरी करती है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्या है, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ होलोस्फेरिकल शेल अबाउट इट्स डायमीटर, और आपके पास रेडियाई की वैल्यू गिवन थी एंड सरफेस डेंसिटी ऑफ ए मास 3 g/cm² है, और उन्होंने स्पेशली बोला है कि इसको CGS सिस्टम में कैलकुलेट करना। तो सबसे पहले आप यहाँ पे जैसे सबसे पहले डायमीटर्स गिवन थे, तो यहाँ पे आप md² / 2 वाला फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो जो बेसिकली मोमेंट ऑफ इनर्शिया के लिए कैलकुलेट ही करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप सबसे पहले डायमीटर की वैल्यू कैलकुलेट करोगे रेडियाई से, रेडियाई आपके पास 2 cm, तो यहाँ से आप डायमीटर कैलकुलेट इजीली कर सकते हो। सो फाइनल आंसर आपके पास कितना आ जाएगा, 96 π आंसर आ जाएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्या है, द लेंथ एल ऑफ अ मेटेलिकल वायर ऑफ यंग्स मॉडुलस वाई इंक्रीजेस वाई L on loading with some weight, the potential energy stored in the wire per unit volume is। तो यहाँ पे आपके पास पता है ये स्ट्रेस एंड स्ट्रेन वाले चैप्टर में से क्वेश्चन अराइज हुआ है, जो कि हमने भी क्लास में IBTS की क्लासेस में जो चल रही थी वहां पे भी हमने इसको अच्छी तरह से कर रखा था, तो यहाँ से ही डायरेक्टली क्वेश्चन अराइज हुआ है ये। तो इस मीन्स यहाँ पे आपके पास इसका करेक्ट ऑप्शन क्या था, ए यहाँ पे आपके पास क्या है, करेक्ट ऑप्शन है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्या है, विथ राइज इन टेम्परेचर द लिक्विड या फिर फ्लूड कोई भी हो सकता है आपके पास, विल कैपिलरी डिक्रीज या फिर इंक्रीज होएगा। तो ऑब्वियसली अगर आपके पास टेम्परेचर राइज है तो आपके पास यहाँ पे जो लिक्विड होएगा जो कैपिलरीज के अंदर है वो क्या होएगा, हमेशा ही डिक्रीज फॉर्म में आएगा। एंड सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्या था, इन स्टैंडिंग साउंड वेव द प्रेशर वेरिएशन इज, आपके पास स्टैंडिंग साउंड वेव के कुछ फॉर्म में पूछ रखा था, तो ऑब्वियसली स्टैंडिंग वेव्स में जब भी आपके पास प्रेशर वेरी करता है तो उसमें आपके पास क्या से वैल्यूज आती है, नोड्स पे आपके पास मैक्सिमम वैल्यू होती है और एंटी नोड्स के केस में आपके पास वैल्यूज क्या हो जाती थी, जीरो हो जाती थी। ये भी क्वेश्चन हमने ऑलरेडी क्लास में कर रखा था, और हमने यहाँ पे ये MCQs भी जब हम प्रैक्टिस करते हैं वहां पे भी ये वाला क्वेश्चन मैंने आपको डाला था, तो वहां से भी यही सेम क्वेश्चन आपके पास देखो यहाँ पे अराइज हुआ है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्या है, द एम्पलीट्यूड ऑफ अ डैम्ड ऑसिलेटर बिकम्स हाफ इन 1 मिनट एंड द एम्पलीट्यूड आफ्टर 3 मिनट्स विल बी 1/6 times ओरिजिनल। तो आपके पास यहाँ पे देखो हमारे पास वैसे हार्मोनिक ऑसिलेटर डैम्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर का एम्पलीट्यूड का फॉर्मूला क्या रहता था, a = a₀ / λ t, और 1 मिनट के लिए हमारे पास वैल्यू क्या आती है, a₀/2, क्योंकि यहाँ पे उन्होंने बोल रखा था कि हाफ ऑफ द मिनट, तो यहाँ पे आपके पास क्या वैल्यूज आ जाएंगी 1 मिनट के लिए, जैसे आप वैल्यू पुट करोगे तो आपके पास कितनी वैल्यू आ जाएगी, 2। ऐसे आपने 3 मिनट्स के लिए कैलकुलेशंस करनी थी तो यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, a₀/2⁻³, तो आंसर कितना आ जाएगा आपके पास फाइनली 2⁻³। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्या था, द इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू अ हेमी स्फेरिकल सर्फेस, तो आपके पास यहाँ पे फिगर भी ऑलरेडी गिवन थी और ये बेसिकली डायरेक्टली आपके पास जो फॉर्मूलाज हमने क्लास में ऑलरेडी कर रखे थे, ये वाले कॉन्सेप्ट्स भी हमने क्लास में कर रखे थे, तो ये डायरेक्टली क्वेश्चन वहां से अराइज हुआ था। तो यहाँ पर उन्होंने क्या पूछा रखा था, स्पेशली आपके पास गिवन भी था विद द एक्स एक्सिस पैरेलल टू द फील्ड, तो उस केस में आपके पास आंसर क्या आने वाला था, π ✕ r² ✕ a, क्योंकि यहाँ पे आपके पास क्या था, डिफरेंस भी गिवन था, पाई भी है, तो वहां से जब भी हमने इलेक्ट्रिक फील्ड वाला कंसेप्ट किया तो वहां से आपके पास ये वाली सारी चीजें डायरेक्टली अराइज हुई थी, ठीक है। सो इट मींस आपके पास यहाँ पे क्या है, ए ऑप्शन करेक्ट है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्या है, द लैपलेस इक्वेशन इन द सीजीएस क्वेश्चन सिस्टम, तो आपके पास यहाँ पे लैपलेस इक्वेशन पूछ रखी है लेकिन स्पेशली मेंशन भी कर रखे सीजीएस क्वेश्चन सिस्टम में आपके पास लैपलेस इक्वेशन कौन सी है, तो ऑब्वियसली ∇² v = 0 रहती है जो आपके पास लैपलेशियन की फॉर्म में यहाँ पे वैल्यूज अराइज होती है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्या है, इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव द फेज डिफरेंस बिटवीन द इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर्स, तो यहाँ पे इनका फेज डिफरेंस हमेशा ही क्या रहता है, 0 रहता है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्या है, सोलेनोइड 1 मीटर लॉन्ग हैज अ क्रॉस सेक्शनल एरिया 10⁻²² 2000 टर्न्स,
पर मीटर एंड कैरीज अ करंट 1 एम्पियर्स है, तो एनर्जी स्टोर्ड का फॉर्मूला आपने अप्लाई करना था, तो वहां से आप इसकी कैलकुलेशंस करोगे, जो आपके पास फाइनल आंसर कितना आ जाएगा, 8 पाई, यहाँ पे आपके पास फाइनल आंसर आ जाना था। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्या है, व्हेन अ कॉइल कैरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक करंट सॉरी इज प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो आपके पास देखो, स्पेशली आपके पास देखो, कोई भी ऑप्शन ऐसा नहीं है, आपको पता है कि कॉइल कैरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड करंट है, इलेक्ट्रिक करंट है बेसिकली, तो उस केस में आपके पास टॉर्क ही एक्ट करता है और ईएमएफ यहाँ पे इंड्यूस ही नहीं होते, सबसे पहली चीज। तो ईएमएफ वाला वैसे ही क्वेश्चन कट हो चुका, तो बी ऑप्शन अगर वैसे ही कट है, तो यहाँ पे आपके पास कौन सी ऑप्शन बची थी, सिर्फ ए ऑप्शन ही बची थी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्या है, चार्ज क्यू इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर अ लार्ज प्लास्टिक प्लेट, द इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट पी क्लोज टू द सेंटर ऑफ द प्लेट इज 10 वोल्ट पर मीटर, इफ द प्लास्टिक प्लेट इज रिप्लेस्ड बाय अ कॉपर प्लेट ऑफ द सेम ज्योमेट्रिकल डायमेंशंस एंड कैरिंग द सेम चार्ज क्यू। तो उस पॉइंट पे पूछा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी वहां पे क्या रहेगी, तो यहाँ पे जब सेम ही डायमेंशंस है, ईच एंड एवरीथिंग यहाँ पे सेम है, तो यहाँ पे आपके पास कुछ भी चेंजेस नहीं आएंगे, सेम आंसर ही आपके पास यहाँ पे आ जाएगा, 10 वोल्ट पर मीटर। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्या था, द सब्सटेंसेस इन विच द मॉलिक्यूल्स हैव जीरो मैग्नेटिक मोमेंट। तो जीरो मैग्नेटिक मोमेंट आपको पता है, एक अपस्पिन एक डाउनस्पिन है, तो वो सारे केस में ही आपके पास यहाँ पे जीरो आता है, वो कौन सा केस है, डायमैग्नेटिक पैरामैग्नेटिक, तो सिंगल पिन रहती है, सिंगल स्पिन रहती है बेसिकली, तो डायमैग्नेटिक ही यहाँ पे आपके पास क्या है, करेक्ट ऑप्शन है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्या था, 1 किलोग्राम ऑफ आइस मेल्ट्स एट 0 डिग्री सेल्सियस इनटू वाटर एट द सेम टेम्परेचर। तो उन्होंने चेंज इन एंट्रोपी पूछा था, लेकिन कैलोरी पर केल्विन, तो ये बेसिकली वैसे भी स्टैंडर्ड रिजल्ट है, मैंने आपको स्टैंडर्ड रिजल्ट भी याद करने के लिए बोला था, और ये देखो यहाँ पे आपके पास क्वेश्चन भी अराइज हुआ था, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि एंट्रोपी एंड गिव्स फ्री एनर्जी वाले क्वेश्चन ऑलमोस्ट यहाँ पे रहते हैं, तो यहाँ पे देखो एंट्रोपी वाला क्वेश्चन यहाँ पे अराइज हो ही रखा था, तो यहाँ पे इसका आंसर कितना था, 293 कैलोरी पर केल्विन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्या है, एन आइडियल गैस इज अलाउड टू एक्सपेंड फ्रीली अगेंस्ट अ वैक्यूम इन एन इंसुलेटेड कंटेनर, द गैस अंडरगोज। तो आपके पास यहाँ पे देखोगे तो अगेंस्ट पूछ रखा, तो फिर तो आपके पास क्या आंसर आ जाना था, डिक्रीज इन टेम्परेचर, लेकिन उन्होंने बोल रखा है कि एक्सपेंड फ्रीली अगेंस्ट अ वैक्यूम, हाँ लिखा हुआ है यहाँ पे फ्रीली अगेंस्ट, तो ऑब्वियसली यहाँ पे डिक्रीज इन टेम्परेचर ही आएगा, डी ऑप्शन करेक्ट आएगा, वेट फॉर अ सेकेंड, डी ऑप्शन करेक्ट है यहाँ पे, ये बिल्कुल ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्या है, द कंबाइंड फॉर्म ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इज गिवन बाय। तो यहाँ पे आप सभी को पता है क्या फॉर्मूला रहता है, du इक्वल्स टू TdS माइनस PdV। तो ये तो डायरेक्टली फॉर्मूला ही था, मैंने आपको पहले ही बताया था कि थर्मोडायनेमिक्स में क्वेश्चन हमेशा ही राइज होते हैं, तो यहाँ पे देखो आपके पास सिंपली सीधा सा डायरेक्टली क्वेश्चन आ चुका था, ठीक है, और ये बेसिकली हमने क्लास में भी कर रखा था, तो सिंपल सिंपल से क्वेश्चंस आपके पास देखो, कितने बेसिक सी चीजें वाले क्वेश्चंस आए थे, तो यहाँ पे आपको होप्स आपके पास एग्जाम्स तो इजीली क्लियर करने के चांसेस थे, है ना। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्या है, व्हेन ऑर्डिनरी लाइट इज पास थ्रू अ क्वार्टर वेव प्लेट देन इमर्जेंट लाइट इज। तो इमर्जेंट लाइट वाला केस आपके पास क्या आएगा, सर्कुलरली पोलराइज्ड लाइट में होता है, और ये भी हमने ऑलरेडी क्लास में डिस्कशन कर रखी, और बेसिकली डीपली डिस्कशन हमने क्लास में कर रखी थी इन टॉपिक्स की। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्या था, द रेडियस ऑफ द कर्वेचर ऑफ द बोथ सरफेसेस ऑफ अ लेंस आर इक्वल इफ इट इज मेड अप ऑफ मटेरियल ऑफ रिफ्रेक्टिव इंडेक्स। तो फोकल लेंथ उस केस में क्या होती है, अब ये भी आपको सभी को होता है, फोकल लेंथ होती है तो वो क्या हो जाती है, ट्वाइस होती है, अगर आपके पास यहाँ पे पावर पूछ रखा तो वो क्या होती है, हमेशा ही हाफ होती है। तो ये भी बेसिकली मैंने आपको दो चीजें हमेशा ही याद करने के लिए बोला था कि अगर फोकल लेंथ पूछ रखा था तो फोकल लेंथ हमेशा ही क्या रहेगी, ट्वाइस, और आपसे अगर पावर पूछा जाए तो सीधा ही आपने यहाँ पे सॉल्व करने की भी नीड नहीं होती, तो पावर आपने क्या करना था, R/2। अब यहाँ पे आपके पास फोकल लेंथ, फोकल आपके पास क्या हो जाएगी, ट्वाइस हो जाएगी, क्लियर। ये वाले क्वेश्चन भी हमने ऑलरेडी क्लास में कर रखे थे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्या है, इफ अ गिवन टेलीस्कोप डी इक्वल टू 200 मीटर एंड लैम्डा इक्वल टू 6 × 10⁻⁷ मीटर है, देन द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द एंगल सबटेंडेड बाय टू स्टार्स दैट वुड बी जस्ट रिजॉल्व इन अप्रोक्सीमेटली। तो आपको पता है ये आपके पास फॉर्मूला रहता है 1.22 लैम्डा / डी, डी आपके पास गिवन है, लैम्डा आपके पास गिवन है, तो वहां से आप इजिली इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, जो कि आपके पास क्या आती है, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाती है। अब देखो मैंने आपको वहां पे जब हम क्लासेस में कर रहे थे, मैंने आपको न्यूटन्स रिंग भी बोला था कि न्यूटन्स रिंग आपके पास इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो भी आपने करना है, डी ब्रोगली हाइपोथेसिस वाले क्वेश्चन थे वो भी देखो आपके पास यहाँ पे अराइज हुए थे। तो ऑलमोस्ट हमने यहाँ पे 95
परसेंट सिलेबस हमने ऑलरेडी डन कर रखा था, और उसमें से भी आपके पास यहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चंस ही अराइज हो रखे थे, है ना। तो बेटर है कि आपको ये सारी चीजें, जब मैं आपको क्लास में करवाती हूँ तो आपको ये सारी चीजें करनी पड़ती है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्या है, न्यूटन्स रिंग एक्सपेरिमेंट, द डायमीटर्स ऑफ द ब्राइट रिंग्स आर प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ। तो यहाँ पे आपके पास न्यूटन रिंग्स का, जब मैंने आपको वहां पे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स करके बताया था, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में आपके पास ये वाला भी था कि स्क्वायर रूट आपके पास क्या किसका होता है, हमेशा ही ऑड नेचुरल नंबर का होता है। तो ये न्यूटन रिंग एक्सपेरिमेंट में ये हमने डीपली किया था, ठीक है। तो मैंने आपको वहां पे क्लास में ये भी बताया था कि कुछ एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, क्योंकि बेसिकली हम देखते हैं कि एक्सपेरिमेंट्स रिगार्डिंग क्वेश्चंस नहीं आते हैं, लेकिन मैंने आपको बोला था कि कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो एक्सपेरिमेंट बेस्ड भी आते हैं। तो यहाँ पे आपके पास न्यूटन रिंग्स भी मैंने आपको वहां पे क्लास में करवाया था, वो भी आपके पास यहाँ पे डायरेक्टली ही क्वेश्चन आया है। सो नेक्स्ट आपके पास क्या है, द डी ब्रोगली हाइपोथेसिस इज एसोसिएटेड विद। तो यहाँ पे आपके पास डी ब्रोगली हाइपोथेसिस के बारे में डिस्कशन कर रहे थे, तो यहाँ पे आपके पास क्या ऑप्शन करेक्ट थी, वेव नेचर ऑफ द ऑल पार्टिकल मटेरियल्स, मटेरियल पार्टिकल सेम ही है, तो डी ऑप्शन यहाँ पे आपके पास करेक्ट थी। सो नेक्स्ट आपके पास क्या है, नेग्लेक्टिंग द वेरिएशन ऑफ मास विद वेलोसिटी द वेवलेंथ एसोसिएटेड विद द इलेक्ट्रॉन हैविंग काइनेटिक एनर्जी ई इज प्रोपोर्शनल टू। यहाँ पे आपको मैंने क्लास में भी करवाया था, क्लास में मैंने आपको चीजें करवाई हुई थी ऑलरेडी, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने आपको क्लास में करवाया था कि हमेशा ही 1/√T रहती है काइनेटिक एनर्जी किसके प्रोपोर्शनल रहती है, तो इट मीन्स उन्होंने यहाँ पे सिर्फ वैल्यूज को चेंज करके लिखा है, क्योंकि आपके पास कितना आया था e^2, जैसे वो चेंज होती है e^-1/2 यहाँ पे वैल्यूज आने, तो सी ऑप्शन यहाँ पे आपके पास क्या हो जाती है, करेक्ट हो जाती है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्या था, अकॉर्डिंग टू द वेव मैकेनिक्स ऑफ फ्री पार्टिकल्स कैन पोजेसेस, ऑब्वियसली फ्री पार्टिकल्स हमेशा कौन सी एनर्जी क्रिएट करते हैं, कॉन्टिन्यू एनर्जी स्पेक्ट्रम ही क्रिएट करते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्या है, एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ द मोमेंटम, यहाँ पे कौन सा फॉर्मुला राइज रहता है। अब यहाँ पे आपके पास देखो दो चीजें कन्फ्यूजन क्रिएट करने वाली थी, ये वाला और ये वाला, लेकिन यहाँ पे पहले एंटी है, तो हमेशा ही हम फॉर्मुलेज में एंटी यूज करते हैं, देन हम यहाँ पे सिंपल साई यूज करते हैं, लेकिन यहाँ पे आपके पास पहले सिंपल साई था, देन आपके पास जाई स्टार था, ठीक है। तो इट मीन्स यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करनी थी, हमेशा ही पहले एंटी यूज करते हैं, यानी कि साइज स्टार ही यूज करते हैं, तो इट मीन्स यहाँ पे सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट आपके पास पूछ रखा था क्वेश्चन, हॉल इफेक्ट इज यूजफुल इन डिटरमिनिंग, हम हॉल इफेक्ट किसको यूज, किस लिए यूज करते हैं, नंबर ऑफ डेंसिटी ऑफ चार्ज कैरियर्स के लिए, और उनकी जितने भी टाइप्स हैं जैसे हॉल वोल्टेज है, वो सारी चीजें हम यूज करने के लिए, बेसिकली सारी हॉल इफेक्ट्स को इसी सारी चीजें हम इजिली डिटरमाइन कर सकते थे। और नेक्स्ट में आपके पास नीदर बोल रखा था, तो यहाँ पे बेसिकली एक ही ऑप्शन करेक्ट थी, तो बेसिकली आपके पास क्या है, ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। सो लास्ट क्वेश्चन आपके पास क्या राइज हुआ था, द करंट एम्पलीफिकेशन फैक्टर ऑफ ए कॉमन बेस एनपीएन ट्रांजिस्टर इज 0.96 गिवन था, सो व्हाट विल बी द करंट गेन इफ इट इज यूज्ड एज अ कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन। तो यहाँ पे जैसे भी इसके फॉर्मुलस कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन के आप फॉर्मुलस अप्लाई करते हो करंट गेन का, तो आपके पास फाइनल आंसर कितना आ जाना था, 24 आंसर आ जाना था, ठीक है। तो ये थे आपके पास सारे टीजीटी नॉन मेडिकल फिजिक्स के आंसर्स, तो ये सभी सभी चीजें हमने ऑलरेडी क्लास में भी कर रखी थी, 95% हमारा सिलेबस ऑलरेडी क्लास में, सिलेबस नहीं 95% बेसिकली क्वेश्चंस हमारे पास सेम ही चीजें आई थी, जो बेसिकली हमने क्वेश्चंस में देखे भी हैं, और आपके पास वहां पे मैं स्क्रीनशॉट्स भी ऐड कर दूंगी जो हमने ऑलरेडी क्लास में भी कर रखे थे, ठीक है। और आपकी सारी चीजें हमारे पास ऑलरेडी क्लास में डन भी हो चुकी है, फिर भी अगर आपके पास इनको पूरी डिटेल में आंसर चाहते हो, तो यहाँ पे आप कमेंट सेक्शन में मैसेज ड्रॉप कर सकते हो, ताकि हम आपको जल्दी से जल्दी कंप्लीट सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दें, ठीक है। कोई भी क्वेरी है वो आपकी हम सॉल्व करेंगे। जो भी आपके पास क्वेरी, इसके अलावा कोई और क्वेरी है आपके पास, तो यहाँ पे स्क्रीन पे जो आपके पास नंबर शेयर कर रखा है, तो इस पर आप कॉन्टेक्ट कर सकते हो। सो ऑल द बेस्ट, थैंक यू।